नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पुंडी टैक में। दोस्तों, मैं अपने चैनल पर लगातार पीएसएल रिफंड से जुड़ी हुई खबरें अपलोड करता रहता हूं और दोस्तों लगातार आपको नई नई अपडेट देता रहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में भी आपको एक नई अपडेट देने वाला हूँ, लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में दोस्तों जो घंटी है उसे भी दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। मैं रविशंकर गौतम मुरादाबाद उत्तर प्रदेश। सभी पल्स पीड़ित व अन्य चिट फंड कंपनियों से पीड़ित भाइयों को नमस्कार। दोस्तों, आपको पता है बहुत से लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि हम लोग बात नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपको पता है कि किस कष्ट से हमारे पीड़ित भाई पूरा हिंदुस्तान गुजर रहा है। तो अभी कुछ भारत सरकार ने कुछ ढील देने की कोशिश करी तो हमने उस पर तैयारी की है और हम तैयारी के लिए आगे आ रहे हैं। दोस्तों, कुछ लोगों से फोन पे हमारी बातें हो रही हैं और कुछ लोगों को हम एक अवगत भी करा रहे हैं कि आप लोग तैयार हो और हम आपसे रूबरू मिलना भी शुरू करने जा रहे हैं। क्षेत्र वाइज क्षेत्र हम जो हमारे साथी हैं उनको हम जोड़ना शुरू कर रहे हैं और उनसे मिलना भी शुरू कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हमारी तैयारी होगी, जब तक केंद्र सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ सुप्रीम कोर्ट में भी ढील हो जाएगी, जब तक हम फुल तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, कुछ लोग अब भी गुमराह कर रहे हैं। इन फोटो भेजने से कुछ नहीं होगा, या ऐप डाउनलोड करने से कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। दोस्तों, पीड़ा जब है जब इनके कागज, आप इनके आईडी, इनके दर्द भरी बातें सुनकर अगर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होते हैं तब तो कामयाब हो सकते हैं। और ऐसे हम गुमराह करें लोगों को, और पहले से गुमराह होते चले आए हैं, हमें आगे आने की जरूरत नहीं थी, हम तो पीछे ही खड़े थे, हम तो सोचते थे कि यही लोग आगे आए, लेकिन इन्होंने आगे वाला काम नहीं किया। दोस्तों, आप पूरा हिंदुस्तान जानता है कि अगर हम याचिका दाखिल कर देते सुप्रीम कोर्ट में सब लोग मिलके, तो हम इस जंग को जीत गए होते। सुप्रीम कोर्ट मैन है और पूरे हिंदुस्तान की एक न्यायपालिका है, क्योंकि अगर हम जो है फोटो डालते रहेंगे, बातचीत ही करते रहेंगे, सालों साल निकाल दिए, छह साल निकाल दिए, इन्हीं बातों में निकाल दिए कि भाई बातचीत चल रही है, इन बातचीतों से क्या हो रहा है? अगर जो बातचीत हो रही है तो उनको क्लियर करके बताओ ना, क्या क्या हुआ, कहां कहां जुड़े। ऐसे फोटो डालने से क्या फायदा है? ये फोटो तो हम बहुत सालों से देखते चले आ रहे हैं और बहुत सालों से ये बातें चलती आ रही हैं। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट जाए और सुप्रीम कोर्ट में वकील करे, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बातचीत करे कि ये पैसा क्यों नहीं मिल रहा, इसका कारण क्या है, कोई मर गया है, एजेंट आत्महत्या कर रहे हैं, इसके बारे में ये नहीं करेंगे। सिर्फ ये फोटो डालेंगे अपने और फोटो डाल के उन लोगों को गुमराह करेंगे, लो भाई अब तैयारी हो गई। तैयारी काई की कर रहे हैं? ये केवल अपने फोटो और मीटिंग करने की तैयारी कर रहे हैं कि अपने फोटो जाने चाहिए। अगर इनमें दम है तो सुप्रीम कोर्ट जाए, मैं साथ इनके खड़े होता हूं। जितने भी संगठन है, अगर इनमें से संगठन में कोई भी आदमी कहता है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तैयार है, तो रविशंकर जाने के लिए तैयार है, पूरा संगठन साथ लेकर तैयार है। दोस्तों, उससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, हम दिल खोल कर लड़ेंगे, उन गरीबों की आवाज सुप्रीम कोर्ट में उठाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में एक एक पहलू को, एक एक वाक्य को लेकर चलेंगे। और दोस्तों, कुछ रास्ते हमने और भी निकाले हैं, जिन रास्तों पे हमने ये ध्यान दिया गया है कि जिन सीनियरों के नाम जमीन है उनकी भी याचिका दाखिल करेंगे, जिन सीनियरों ने एडवांस ले रखा है, जो इस संगठन को साथ नहीं दे रहे हैं, उनके खिलाफ भी याचिका दाखिल करेंगे, क्योंकि उनके नाम हमारे पास आ चुके हैं, उनके डाटा ले चुके हैं, हम तैयारी कर चुके हैं,
और हम पहले तो अपनी व्याख्या को कहना चाहते हैं कि हम पहले कस्टमर को लेके वहां याचिका दाखिल करेंगे, उसके बाद में जो एजेंट आज तक मर चुके हैं, आत्महत्या कर चुके हैं, उनके बारे में भी सोचेंगे। क्योंकि जब तक हम सुप्रीम कोर्ट में अपनी अन्य बातों को लेकर नहीं जाएंगे, तब तक सुप्रीम कोर्ट इस बात को नहीं सुनेगा, न केंद्र सरकार जगेगी कि भाई ये बताओ कि जो एजेंट है या कस्टमर है उसने कौन सी गलती की है, क्योंकि रजिस्ट्रेट तो आपने करी थी कंपनियां। लेकिन कोई बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का 2 फरवरी 2016 का आदेश है, उसके बाद में भी अभी तक कोई पैसा नहीं मिला। और जब भी हम कोई आवाज उठाते हैं, जैसे आपने देखा था जब जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन किया, तब इन्होंने जो है ऑनलाइन सिस्टम तैयार कर दिया। फिर उसके बाद में फिर हमने आंदोलन की तैयारी करी 6 नवंबर की, तब इन्होंने पैसा देना शुरू कर दिया। और अब याचिका दाखिल करने की बात करी है तो इन्होंने 5,000 से 7,000 देना शुरू कर दिया। और अब ये पता है इन्हें कि याचिका दाखिल करने जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अंदरखानी हमारी रिपोर्ट ले ली है और ये हमसे बातें भी करते हैं, क्योंकि रूप में अलग अलग तरीके से हमसे बातें करते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं हम इनसे डरने वाले नहीं है, हम याचिका दाखिल करेंगे, एक एक पहलू पे बातें करेंगे, वकील भी अच्छा करेंगे, बहुत से वकीलों से बात चल रही है और वो वकील आपको गाइडेंट भी देगा, सब कुछ बताएगा वकील। हम वो अंदर वाली बात नहीं रखेंगे कि हम वकील से बात नहीं करा सकते, वकील से बात भी कराएंगे, उसका फोटो इशू करेंगे, सब कुछ आपके सामने होगा, खुली रिपोर्ट होगी। अगर आपसे 1 रुपए का भी चंदा लिया जाएगा तो आप उसे ऑनलाइन चंदे को देख सकते हैं कि हमारा पैसा कहां गया। इनकी तरह गुमराह नहीं करेंगे कि जिन्होंने चंदा लिया और अपने पेट भरे और अपने आप को रहे, और इन्होंने कोई सा भी हिंदुस्तान में जो संगठन है कोई भी किसी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं गया, और गया तो भारतीय लोक सेवा दल गई, और भारतीय लोक सेवा दल ने वो आवाज उठाई। लेकिन और कोई जितने संगठन हिंदुस्तान के चल रहे हैं, कोई भी संगठन तो बताए कि हमने किसी के खिलाफ आवाज उठाई हो, इनमें हिम्मत ही नहीं है। अगर हिम्मत है तो हम इनके साथ खड़े होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाएं, ये सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं करेंगे, ये केवल मीटिंग में फोटो दिखाएंगे, फोटो की बात ही करेंगे कि फोटो देखो हम अब बात कर रहे हैं, काय की बात करिए, कुछ नहीं करी, किसी को बताया कुछ नहीं बताया। सिर्फ मैं आपसे कहना चाहता हूं ये मूवमेंट तोड़ने की बात चल रही है, मूवमेंट नहीं टूटने देंगे, चाहे हमारे साथ 1,000 आदमी आए, चाहे 10,000 आदमी आए, चाहे 1,00,000 आदमी हो, एक आवाज देंगे और एक आवाज पे ही काम करेंगे। वो आपको बताएंगे, जो करेंगे वो आपको बताएंगे, और ऐसा नहीं है हम किसी से छिपाएंगे, गुमराह नहीं करेंगे लोगों को, क्योंकि अब तक 6 साल तक गुमराह ही होते आ रहे हैं हम लोग, और गुमराह किया गया है। मैंने 2 साल पहले भी सुप्रीम कोर्ट की बात करी थी, तब भी इन लोगों ने मुझे आगे नहीं बढ़ने दिया। तो अब हम अपनी कमान अपने हाथ में ले चुके हैं और हम आपको बहुत कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि अभी हमारी छोटी छोटी मीटिंग है, हम जाएंगे डोर टू डोर मिलेंगे, कोई चंदा नहीं, कोई कुछ नहीं। अभी जब चंदा लेंगे तो सिस्टम से लेंगे, वकील का चंदा लेंगे, सब कुछ आपके सामने होगा। सुप्रीम कोर्ट में अगर 1,000 भी खर्च होंगे तो आपको बताए जाएंगे कि वकील को इतना पैसा दिया गया और इतना, ये हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, हमें किसी का चंदा नहीं चाहिए, हम अभी डोर टू डोर घूमेंगे, सबको बताएंगे कि हमारा सिस्टम ये तैयार हो चुका है और हम इस पे काम करेंगे। दोस्तों अब वो दिन आ चुके हैं, आप किसी की बातों में गुमराह मत हो, आगे आ जाओ, और हम सबके खिलाफ बहुत बड़ी याचिका तैयार कर चुके हैं, इस सिस्टम को बहुत आगे ले जाने के मूड में है, और ये पैसा बहुत जल्दी आपका लौटाने के इच्छुक है, क्योंकि ये जल्दी पैसा लौटेगा तो जो शान शौकत से हम लोग पहले जीते थे उस शान शौकत से आप जीना चाहते हैं। इनके गुमराहों पे मत चलो, और चलोगे तो फिर ये 6 साल और हैं, फिर 6 साल और कर देंगे, और क्योंकि ये लोग मैनेजमेंट के द्वारा सब कुछ बोलने को तैयार हैं, मैनेजमेंट के खिलाफ कोई जाने को तैयार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के साथ कोई बैठने को तैयार नहीं है, तो मीटिंग किस बात की है। मेरी आवाज को सुने, मेरी आवाज को समझे, अगर किसी को लगता है कि ये बात गलत है तो मेरा नंबर है 9012500022 90125000022। और दोस्तों मैं एक बात और कहना चाहता हूं, कृपया करके कोई कस्टमर मुझे फोन ना करे, अगर याचिका दाखिल करनी है उसको तो जिले बाई जिले कमेटी बना रहे हैं हम, जिले में उनसे संपर्क बनाया जाएगा, हम बहुत जल्दी नाम घोषित करने जा रहे हैं जिले के, किस जिले में कौन आदमी है, आप इससे संपर्क करिए। और पूरे प्रदेश नहीं, पूरे हिंदुस्तान में हमने काफी लोगों से विचार कर लिए हैं, और हमने हजारों नहीं लाखों लोग जोड़ लिए हैं, लाखों लोग हमारे संपर्क में हैं,
हम फोटो नहीं दिखाएंगे आपको, हम काम करके दिखाएंगे, और काम जो करता है वो ही आगे बढ़ता है। तो हम आपको काम करने वालों में से हैं, हम आपको फोटो नहीं देंगे, किसी संगठन के साथ बदतमीजी नहीं करेंगे, किसी संगठन के साथ उल्टा सीधा नहीं बोलेंगे, केवल हम आपसे कहना चाहते हैं जो काम हम करेंगे वो आपको दिखाएंगे कि कौन सा काम कर रहे हैं, वो सब ऑनलाइन आपके पास होगा, सिस्टम सब ऑनलाइन तैयारी चल रही है हमारी, और हम किसी संगठन के खिलाफ या किसी संगठन की आलोचना नहीं करेंगे, जो वो कर रहे हैं करें, लेकिन कुछ ऐसा करें ताकि पब्लिक के हित में हो। मैं बहुत जल्दी छोटी छोटी मीटिंग है, हम पूरे सिस्टम को लेके आज हमारी बात हो चुकी है और सिस्टम को लेके पूरी तैयारी के साथ जुड़ने जा रहे हैं, और जो हमारे साथी हैं जिनको पैसा चाहिए, जो पैसा लेना चाहते हैं, ऐसा नहीं घर बैठ के फोन पे बात करेंगे, जिनको पैसा चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट में हमारे साथ खड़े हों, मैं उनके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्हें स्वागत करता हूं कि वो वाकई में ईमानदार और जंग के ईमानदार सिपाही होंगे जो हमारे साथ खड़े होंगे, और आपको जो बात वकील से होगी, जो बात किसी सिस्टम से होगी, वो आपको क्लियर करी जाएगी। हम गुप्त रिपोर्ट नहीं करेंगे, जहां भी मीटिंग होगी हमारी हम आपको क्लियर आवाज देंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे पूर्ण निवेदन करना चाहता हूं, जो हमारे यम साथी हैं या जो छोटे वर्कर हैं जिनको पैसा चाहिए, वो याचिका में शामिल होने के लिए जिले वाइज जिले कमेटी बन चुकी है, जो जिले में जो चाहता है हम उनको देखेंगे कि ये आदमी काम करने वाला है तो हम उनको ही जोड़ेंगे। दोस्तों बहुत कुछ मैंने कह दिया, क्योंकि मैं भी ये नहीं चाहता कि लंबी वीडियो हो, लोग सुनने में परेशान हो, और मेरी बात जो जितनी बातें हैं वो सच्चाई के साथ हैं। मैं बहुत जल्दी आपके सामने ओपन आने वाला हूं, और जो भी बात आपके सामने की जाएगी वो ईमानदारी के साथ की जाएगी, और ईमानदारी का ही उसमें पहलू होगा, और ईमानदारी के साथ कार्य किया जाएगा। जो भी संगठन हम तैयार कर रहे हैं उस संगठन के नाम के द्वारा आपको सबको सूचित किया जाएगा। इसी के साथ मैं आपको पूरे भारतवर्ष को, इस बीमारी से पीड़ित जितने लोग मेरे साथी हैं, पूरा भारत इसमें पीड़ित है, मैं उनके लिए ये कामना करना चाहता हूं कि वो जल्दी स्वस्थ हों और अपनी लड़ाई के लिए तैयार हों। इसी के साथ सभी देशवासियों को मेरा धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों अगर आज आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल का आइकन है दोस्तों उसे भी दबाना ना भूले, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों।